Hello everyone, we were at 5th session and we have completed our 4th session of chapter number 5, that is accounting equation. Here our one and only equation assets is equal to capital plus liability. Session number 5 हम कर रहे हैं, PDF में आप question निकाल के रखिए. अभी equation 0 है, assets 0 है, capital 0 है, liability भी 0 है. Transaction number 1 मैं start करता हूँ read करने के लिए. देखो, started business with cash 40,000, goods 50,000 and furniture 10,000. Okay. जो भी assets या फिर property या फिर product या money जो भी invest कर रहे हैं, ये हमारे लिए capital है. तो capital में भी plus करेंगे और ये सारी assets है तो assets में भी plus करेंगे. Transaction number 1, cash 40,000, गुड्स मतलब स्टॉक 50,000, फर्नीचर ये सारी एसेट्स ही है 10,000. तो 1 लाख हमारी कैपिटल हो गई, एसेट्स भी हो गई. यहां पे कैपिटल भी सबका टोटल 1 लाख लिख देते हैं. कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स 1 लाख हो गया ये. सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 20,000. अब तो ये सबको आ गया होगा. परचेज मतलब हमने स्टॉक परचेज किया तो असेट्स में प्लस होगा. स्टॉक 20,000 तो 1,20,000 टोटल. और कैश से ही परचेस किया तो कैश में से ही माइनस होगा. वापस असेट्स डिक्रीज हो गई फ्रॉम सोहन, लेकिन इसमें इसमें हमें कैश का नहीं बोला है, इसलिए हम कैश की इफेक्ट नहीं करेंगे. कैश अगर बोले तो ही करना है, कैश अगर ना बोले तो नहीं करना है. मतलब इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन उसमें हमको कैश नहीं बोला है, इसलिए हम ये लायबिलिटी में परचेज प्लस करेंगे. 20,000 फ्रॉम सोहन मतलब लायबिलिटी भी प्लस होगी. स्टॉक में भी प्लस होगा, परचेज किया है इसलिए. और 20,000 हम पे करेंगे सोहन को इन फ्यूचर, मतलब हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई. दोनों में प्लस हो गया 1,20,000. 1,20,000 हमें अगर कैश का बोला गया हो तो ही हमें कैश प्लस करना है, मतलब कैश की इफेक्ट करनी है. अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं बोला गया है और पार्टी का नाम दिया है, इसमें सोहम दिया गया है, पार्टी का नाम अगर दिया गया हो और कैश नहीं दिया गया हो तो हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझना है. थर्ड, ही सोल्ड गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर 25,000 टू राम. ओके, 20,000 का जो गुड्स हमने परचेज किया वही गुड्स हम 25,000 में सेल कर रहे हैं. तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा होगा माइनस स्टॉक 20,000. गुड्स तो हमारा 20,000 का ही गया है, 25,000 में हमने सेल किया है तो वो भी क्रेडिट है. तो 25,000 जो है वो हमारा रिसीवेबल हो जाएगा. रिसीवेबल 25,000, तो 20,000 माइनस करके 25,000 प्लस करो तो 1,25,000 टोटल आएगा. इस ट्रांजेक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, क्योंकि 20,000 का गुड्स हम 25,000 में सेल कर रहे हैं. तो 5,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा. प्रॉफिट 5,000, 1,25,000 इस साइड का भी टोटल, दोनों साइड का टोटल हो गया 1,25,000. इसके आगे फोर्थ,
ही पेड सोहन इन फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 19,500। ओके सेकंड ट्रांजेक्शन देखो आप, सोहन के टूवर्ड्स हमारी लायबिलिटी 20,000 की थी, हमने परचेज किया था 20,000 का गुड्स और उसको हम पे कर रहे हैं 19,500 इन फुल सेटलमेंट, मतलब अब हमको ये पे नहीं करना है, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 20,000 की, सामने हमने कैश पे किए 19,500, हमारा कैश जो डिक्रीज होगा वो 19,500 ही होगा, तो 19,500 अगर 125,000 में से माइनस कर दो आप तो 1,05,500 आएगा, 19,500 125,000 में से माइनस करना है क्योंकि 19,500 हमने पे किए हैं और हमारी लायबिलिटी जो 20,000 की थी सोहन के अकाउंट में वो 20,000 हो जाएगी माइनस, और इसमें हमको 500 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें सोहन के अकाउंट की 20,000 हमने लायबिलिटी माइनस कर दी, वो जो डिस्काउंट मिला है हमें 500 का वो कैपिटल में प्लस होगा क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है, तो प्लस 500 हमने 20,000 के अगेंस्ट 19,500 ही पे किया इसलिए वो हमारा 500 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ, यहाँ से भी प्लस माइनस करो 20,000 माइनस करके ये प्लस करो तो 1,05,500 ही आएगा, दोनों साइड का टोटल सेम। ओके ये हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 1,05,500 का टोटल ऊपर लिख के फिफ्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन आप उसमें देखो, उससे पहले हम लिख लेते हैं 1,05,500 दोनों साइड का टोटल। ओके फिफ्थ ट्रांजेक्शन उसमें है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 24,200। ओके रिसीव कैश मतलब कैश हमको मिल गया 24,200 का, पर उसमें से हमारा रिसीवेबल जो था राम के पास से वो 25,000 का था, तो वो हमारा रिसीवेबल पूरा हो गया, अब नहीं मिलेगा हमको क्योंकि उसके बदले में 24,200 हमको मिल गया है। अल्टीमेटली हमें 800 माइनस करने हैं क्योंकि हमें 800 कम मिले हैं, कैश 24,200 प्लस करना है और रिसीवेबल 25,000 माइनस करना है, तो 800 प्लस करें तो 1,06,300 इस साइड का टोटल, और इस साइड हमें ये माइनस करना है 800 हमें माइनस करना पड़ेगा तो 1,04,700 आएगा, 1,04,700 और ये जो हमें कम मिला है वो हमारा डिस्काउंट अलाउड है, हमने जो कम ये डिस्काउंट दिया है जो रिसीव कम किया है वो हमारा एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे 800, हमें 24,500 लेने थे राम के पास से उसके बदले में हमको मिला 24,200 इसलिए हमने 800 का डिस्काउंट कैपिटल में से माइनस कर दिया। उसके बाद सिक्स पेड रेंट 3,000 बट 800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ओके पेड हमने कितने किए 3,000, तो 3,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे, माइनस कैश 3,000 और 800 जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो वो ये जो पहले 3,000 है वो एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, रेंट कैपिटल में से भी माइनस होगा क्योंकि ये
एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है, कैश में से भी माइनस होता है, बट उसमें और एक चीज कही गई है कि 800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी 800 उसमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 800 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग और माइनस करने पड़ेंगे, और ये जो माइनस किए हैं वो अभी पे नहीं किए हैं, इसलिए हम कैश में से माइनस नहीं करेंगे, जो भी पे करना बाकी हो वो लायबिलिटी में प्लस करेंगे 800। तो ये 800 ये 800 प्लस माइनस सेटल हो गए सामने, अल्टीमेटली हमको 3000 माइनस करने हैं दोनों साइड से, 1,01,700 1,01,700 दोनों साइड से माइनस कर दिया हमने, जो 3000 की इफेक्ट है वो कैश की है क्योंकि हमने पे कर दिए है इसलिए कैश में से भी माइनस, और एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस कैपिटल में से भी माइनस, बाकी के 800 जो है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंस तो है ही, लेकिन हमने पे नहीं किए इसलिए लायबिलिटी में प्लस, क्योंकि कैश में से पे नहीं किए इसलिए माइनस नहीं होंगे। 7 चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 चार्ज डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई तो एसेट्स में से माइनस कर देंगे 1,07,00। डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, मतलब कैपिटल में से माइनस करेंगे 1,000, तो वहां भी 1,07,00 आएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8 रिसीव्ड कमीशन 2,000 इंक्लूडिंग 500 एज एडवांस। ओके 2,000 पहले हमने रिसीव कर लिए तो कैश में प्लस हो गए, कैश 2,000 ये प्लस हो गया 1,02,700 ये प्लस हो गया क्योंकि कैश हमने 2,000 की रिसीव की है, उसमें से जो 500 है वो एडवांस में है, जो भी एडवांस इनकम हमें मिली है वो जब तक ड्यू डेट ना आए तब तक उसको हम लायबिलिटी समझते हैं, लायबिलिटी में प्लस होगा 500। एडवांस में कोई भी इनकम मिले तो उसको लायबिलिटी में लिखनी है क्योंकि तब तक वो हमारी लायबिलिटी है ऐसा समझना है, जब तक वो डेट ना आ जाए तब तक। और 1500 जो है 2000 में से 500 इंक्लूडिंग है वो ही एडवांस है, तो बाकी के 1500 हमारी इनकम कंफर्म है, कंफर्म इनकम हम कैपिटल में लिख सकते हैं, कमीशन है ये, तो कमीशन 1500 इसमें प्लस कर सकते हैं, बाकी के 500 क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी एडवांस में मिला है, एडवांस में मिली हुई इनकम हम कंफर्म इनकम में नहीं लिख सकते, वो तब तक लायबिलिटी में लिखनी पड़ेगी। ओके 1,02,700 हमारा अब तक का टोटल है, 1,02,700 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद हम आगे के ट्रांजेक्शन करेंगे, आगे के ट्रांजेक्शन है एक ही बचा है अब, उससे पहले 1,02,700 फॉर बोथ द साइड हम लिख लेंगे, इतना ही इक्वेशन है हमारा, और नाइन्थ हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर जो भी ओनर है उसको मिलेगा तो कैपिटल में ही प्लस होगा, और हमारा एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस के साइड ही माइनस होगा, तो दोनों साइड इफेक्ट सेम ही आएगी, इस साइड कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, 1,02,700 ऐसे ही रहेंगे, पहले फॉर्म के लिए वो एक्सपेंस है इसलिए फॉर्म के एक्सपेंस में से माइनस कर दो, पहले एक्सपेंस कितना एक्सपेंस है 8,000, तो 8,000 हमने माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया ये, क्योंकि फॉर्म जो है जो बिजनेस है उसके ओनर को पे कर रहा है इसलिए ये वन काइंड ऑफ एक्सपेंस है,
तो एक्सपेंस माइनस हो गया और वापस प्लस कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो कैपिटल है वो हमारी एड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का है, ओनर का है, और वो कैपिटल में ही एड कर देंगे। तो 8000 प्लस और माइनस दोनों हो जाएगी, इससे कैपिटल इंक्रीज हुई और इससे फर्म का एक्सपेंस हुआ। दोनों का मीनिंग समझिएगा तो दोनों समझ में आ जाएगा कि एक जो है वो हमने एज ए एक्सपेंस माइनस किया है और एक जो है वो कैपिटल इंक्रीज हो गई है इसलिए प्लस किया है। तो दोनों प्लस माइनस करके सेम आ जाएगा 1,02,700। ये था हमारा फिफ्थ इलस्ट्रेशन, आगे हम सिक्स्थ इलस्ट्रेशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।